हाय बच्चों, होपफुली आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे स्टडीज भी और घूमना फिरना भी इधर उधर, क्योंकि अब तो लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, तो हम लोग आज करने वाले हैं इनवर्स फंक्शन का ग्राफ। जो काफी बच्चों ने बोला कि सर इनवर्स फंक्शन का ग्राफ हमें नहीं आता है, बहुत दिक्कत हो रही है जेई के लिए, तो मैं एक एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो फिलहाल मैंने एग्जाम्पल लिया है वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स का। देखते हैं इसमें क्या 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 चीजें हमारे को मिलता है, क्या ये इतना सिंपल है, इतना सिंपल हम लोगों ने पढ़ा है, इसकी इनसाइड स्टोरी है ये। ठीक है बच्चों, आपको मजा आएगा, पूरा वॉच करना और जरूर सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर सब्सक्राइबर हो आप तो ऑलरेडी कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। तो ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो बच्चों सबसे पहले बताओ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स क्या हमेशा होता है ना? हम लोग स्कूल में गए हमेशा यूज करते हैं ये वाला टर्म कि चलो साइन इनवर्स साइन साइन कट जाएगा, आ जाएगा एक्स, राइट? वो देखते हैं रियली में होता भी है या किसी किस कंडीशन में ये होता है और किस कंडीशन में नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहां तीन लाइन ड्रॉ किए हुए, आपको दिख रहा है यहां साफ साफ? हाँ दिख रहा है फ्रेम में तो है। ठीक है, तो एक्स लिया है, साइन एक्स लिया है, साइन इनवर्स साइन एक्स, तीनों को मैंने ड्रॉ किया हुआ है, कंपेयर करेंगे तीनों को एक साथ। अगर x की वैल्यू जीरो लेंगे यहां पे, तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, साइन इनवर्स जीरो भी जीरो होगा। यानी कि जब मैं x की वैल्यू जीरो लूंगा तो साइन x की वैल्यू बताओ ऑफकोर्स जीरो होगा, तो साइन इनवर्स जीरो हो गया, साइन इनवर्स जीरो जीरो ही होगा, यानी कि दीज आर मैचिंग। ठीक है, और अगर मैं सपोज यहां पाई बाय फोर अगर ले लूं, ठीक है, तो साइन पाई बाय फोर कितना होता है, वन बाय रूट टू होता है, वन बाय रूट टू होगा यहां कहीं पे, तो साइन इनवर्स वन बाय रूट टू क्या होगा बच्चों, ऑफकोर्स पाई बाय फोर होगा, तो ये मुझे मिल गया पाई बाय फोर। यानी कि हमने एक्स लिया पाई बाय फोर, साइन इनवर्स साइन एक्स भी मिल गया मुझे पाई बाय फोर, पाई बाय फोर यहां एक्स, साइन इनवर्स दोनों पाई बाय फोर मिल गया। चलो अच्छी बात है, यानी कि वाला यहां तक तो वैलिड है, मिल रहा है मुझे। लेकिन अगर मैं यहां पर ले लू सपोज फाइव पाई बाय सिक्स, कितना होता है फाइव पाई बाय सिक्स, 180 होता है ना, 180 होता है, 150 होता है सॉरी, तो साइन 150 की वैल्यू कितनी होती है कोई बताएगा? साइन 150 यानी कि हाफ, तो हाफ यहां कहीं पे हो जाएगा वन बाई टू। तो साइन हाफ अगर मैं यहां लगा दूं तो साइन इनवर्स हाफ हो गया, वो तो साइन इनवर्स हाफ मीन 30 डिग्री यानी पाई बाई सिक्स, तो पाई बाई सिक्स यहां कहीं पे होगा पाई बाई सिक्स, यहां पे एरो बना देता हूं। यानी कि हमने एक्स लिया था फाइव पाई बाई सिक्स, यहां मुझे मिल गया पाई बाई सिक्स, यानी कि ये वाला रूल यहां फॉलो ही नहीं हो रहा है। अरे भाई, जो एक्स की वैल्यू होती है यहां पर वो पूरे फंक्शन मुझे एक्स नहीं मिला ना, यहां तो मिल गया मुझे, एक्स की वैल्यू पाई बाय फोर लिया तो वाई भी मुझे एक्स मिल गया, यहां पे साइन वर्स साइन एक्स भी मुझे एक्स मिल गया। लेकिन जब मैं पाई बाय टू के पीछे गया तो मेरे को ये वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये वाला रूल इस केस में फॉलो नहीं हुआ। एक काम और करते हैं, यहां भी एक वैल्यू लेके देख लो सॉरी, और इसके बाहर आ जाते हैं कहीं पे माइनस फोर पाई बाई थ्री, तो जब माइनस फोर पाई बाई थ्री हमने लिया एक्स की वैल्यू, तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी होगी, साइन ऑफ माइनस फोर पाई बाई थ्री, यानी कि माइनस ऑफ साइन पाई प्लस पाई बाई थ्री, दैट मीन्स माइनस तो आ गया कॉस ए साइन बी, माइनस साइन कॉस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन थ्री सिक्सटी डिग्री माइनस रूट थ्री बाई टू, तो ये मेरे को मिल रहा है पॉजिटिव रूट थ्री बाई टू, यहां पे आ गया पॉजिटिव रूट थ्री बाई टू, यहां कहीं पे आएगा
अब ये साइन इनवर्स, अब साइन एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, रूट थ्री बाय टू लिखूंगा ऑफकोर्स। तो साइन इनवर्स रूट थ्री बाय टू मुझे क्या मिलेगा, 60 डिग्री, यानी कि पाई बाय थ्री मिलेगा, पाई बाय थ्री मिलेगा। तो पाई बाय थ्री यहां कहीं पे आ गया, देख लो मैंने यहां पे एक्स ए लिया था, मुझे यहां पर वापिस ये वाला टर्म नहीं मिला। जब हमने एक्स पाई बाय फोर लिया तो पूरा साइन वर्स साइन एक्स मेरे को एक्स ही मिला, यानी कि पाई बाय फोर मिला। लेकिन जब मैं फाइव पाई बाय सिक्स ले रहा हूं तो मुझे वापिस फाइव पाई बाय सिक्स नहीं मिलता है। जब मैं माइनस फोर पाई बाय थ्री ले रहा हूं तो यहां पे आके माइनस फोर पाई बाय थ्री नहीं मिलता है। यानी कि जब मैं माइनस पाई बाय टू और प्लस पाई बाय टू के बीच में कोई वैल्यू लेता हूं तब तो मेरे को ये वाला रूल वैलिड है। अब यहां माइनस फाइव पाई बाय फोर लेके देखो, आपको यहां पर मिलता है माइनस फाइव पाई बाय फोर। यानी कि ये तभी पॉसिबल है व्हेन एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू तक, अदरवाइज ये रूल भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ये हमारे को मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, आप लोग इसको नोट डाउन करो। अब मैं ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूं, इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख दूं बच्चों, शायद विजिबिलिटी में दिक्कत हो। ये रूल तभी तक वैलिड है व्हेन एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू तक। नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ ग्राफ। हाँ बच्चों, ध्यान देने वाली बात यह है, मैं फिर से आपको रिमाइंडर दे रहा हूं कि जब एक्स यहां बिलोंग करेगा तब तो यह वैलिड है, लेकिन जब x does not belong to माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तब ये चीज वैलिड नहीं है। साइन इनवर्स साइन x नॉट इक्वल टू x। ठीक है बच्चों, ये चीज पे हमें ध्यान देना है। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, आप लोग ध्यान देना, हो सकता है यहां एक्यूरेट ग्राफ ड्रॉ ना हो, जो कि होगा भी नहीं, पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक आइडिया आपको लग जाएगा कि कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहले मैं साइन एक्स का ड्रॉ कर दे रहा हूं, इधर ऐसा कुछ ऐसे ही करते हैं ना ड्रॉ, टू पाई हो गया, तो ये वन साइकिल हुआ, टू पाई के बाद फिर से रिपीट करेगा अपने आप को, ऐसा कुछ। ऐसा कुछ। अब ध्यान देना बच्चों, ये वाला चीज कब कब होगा, जब x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू। x माइनस पाई बाय टू यहां है और x प्लस पाई बाय टू यहां है, तो पहले हम इन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं। ठीक, x अगर मैं यहां पे माइनस पाई बाय टू डाल दूं तो ये तो मिल जाएगा माइनस वन, क्या मिल जाएगा माइनस वन, डाल के देख लेते हैं। साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाय टू, ये हो गया पूरा का पूरा माइनस वन, तो साइन इनवर्स माइनस वन माइनस पाई बाय टू, यानी कि एक्स माइनस पाई बाय टू लिया है तो वाई भी माइनस पाई बाय टू आएगा। यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट समवेयर, यहां पे वो कोई पॉइंट है एक्स माइनस दोनों, अगर मैं एक्स पाई बाय टू लूंगा तो वाई भी पाई बाय टू आएगा, मतलब यहां कहीं पे वो कोई पॉइंट है। यानी कि मैं इसको रीड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। मतलब आई हैव अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ठीक है, और जो साइन का कर्व होगा वो कुछ ऐसा होगा ही, टेंजेंट की तरह जाएगा ये। मैंने आपको पहले बताया था कि हो सकता है एक्यूरेट ड्रॉ ना हो, लेकिन आपको जस्ट आइडिया तो लग ही जाएगा। सो दिस इज द लाइन आई एम गेटिंग, दिस लाइन इज नथिंग बट y इज इक्वल टू x, ठीक है। अब मैं बात करूंगा पाई बाय टू से लेके थ्री पाई बाय टू तक, ठीक है। तो पाई बाय टू एक पॉइंट तो मेरे को यहां पे मिला हुआ है। अब अगर मैं पाई की बात करूं, इन दोनों के बीच में एक एंगल आता है पाई, तो यहां पे जो पॉइंट है वो है पाई कॉमा जीरो। एक लाइन मैं यहां से ड्रॉ करने वाला हूं,
तो उसके लिए मेरे को पॉइंट चाहिए, एक्यूरेट पॉइंट चाहिए। तो 3π/2 अगर मैं लूं, x की वैल्यू यहां 3π/2 लूं, तो यहां आ जाएगा -1, ठीक है, यहां आ जाएगा -1। दैट मीन्स साइन इनवर्स -1, यानी कि यहां आ जाएगा -π/2। दैट मीन्स y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास ये वाली चीज, ठीक से मैं इसको रीड्रॉ करता हूं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन मुझे मिलेगा ऐसा, दिस वन। तो ये जो मुझे लाइन मिला ये हो जाएगा y इज इक्वल टू पाई माइनस x, ये वाला लाइन, ये टेंजेंट की तरह पास कर रहे हैं। फिर से मैं एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर सकता हूं, मेरे को 2π को क्रॉस करना है जस्ट, क्योंकि साइन एक्स इज ए फंक्शन ऑफ 2π, मतलब 2π के बाद वो तो रिपीटेशन ही होगा ना। तो अगर मैं एक बार 2π के लिए ड्रॉ कर लूं तो मेरी टेंशन खत्म है। तो 2π के बाद क्या आता है, 5π/2, ठीक है। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा आगे ले जा रहा हूं ऐसा, ये लाइन है हमारा 5π/2 की बात करें तो उसके बाद देखो यहां से पाई से पास कर रहा था पाई माइनस एक्स, अब ये लाइन ऐसे पास करेगा तो एक टेंजेंट और बनेगा ऐसा, ये जो बना है एक्यूट एंगल बना है ये, तो यहां मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू x-2π। आप चाहो तो चेक कर लो, दिस लाइन पासिंग थ्रू 2π,0, दिस लाइन। अब अगर ये ग्राफ मेरे को बन गया है तो मेरे को सिर्फ इसको रिपीट ही तो करना है, इधर आप इसको एक टेंजेंट जैसा ऐसे बना दो इधर, और इसको फिर वापस ऐसे गिरा दो इधर, ठीक है। इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो y इज इक्वल टू -x-π, इससे पास कर रहे हैं, और इस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू x+2π, ठीक है बच्चों। सो दिस इज अ ग्राफ वी आर गेटिंग, ये रिपीट होता रहेगा ऐसा ऐसा, ठीक। तो अगर मैं डोमेन की बात करूं, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, यहां पर -π/2 के π/2 में ये है, अदरवाइज कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसके बीच की वैल्यू नहीं भी हो, कोई भी वैल्यू हो सकती है। सो डोमेन इज सिंपली r, लेकिन मैं कोई भी वैल्यू लेता हूं तो मैं कहां पर आ जाता हूं, -π/2 + π/2 के बीच में आ जाता हूं। सो y की जो वैल्यू रेंज आएगी ना, रेंज ये हमेशा मुझे ले आता है -π/2 से +π/2 के बीच में। सो दिस इज द रेंज। अब एक ग्राफ ड्रॉ करने के बाद कुछ वैल्यूज है जो हमारे को फाइंड करनी है, जो हो सकता है कुछ इसको फॉलो करे कुछ इसको फॉलो करे, ध्यान से देखना बच्चों। सपोज मुझे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स sin 1, तो मैं चेक करूंगा कि 1 अगर बिलोंग करता है कि नहीं करता है इस ग्रुप में। सो 1 तो बिलोंग करेगा -π/2 + π/2 को, तो जब तक x बिलोंग टू दिस तब तक तो मैं सीधा y इज इक्वल टू x लिख ही सकता हूं ना, x मैंने 1 लिया हुआ, दैट मीन्स पूरी की पूरी जो वैल्यू 1 लिख सकता हूं मैं डायरेक्ट, ठीक है। और अगर मैं ले लूं y इज इक्वल टू, मेरे को बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स sin 2, ठीक है, 2 होगा या कुछ और होगा, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले चेक करो 2 बिलोंग्स टू, बिलोंग करता है क्योंकि -π/2 π/3.14 लेते हैं, ये -1.57 होगा, ये +1.57 होगा, नहीं करता है बिलोंग, नहीं करता है ना। तो मुझे क्या करना होगा, मेरे को एक फंक्शन इंट्रोड्यूस करना होगा π-π, तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, पाई तो इंट्रोड्यूस किया हमने। अब π-2 के बारे में पता करो, देखो साइन π-θ साइन थीटा ही तो होता है, पढ़ा है ना हमने, साइन क्या होता है, π-θ इज नथिंग बट साइन थीटा ओनली, तो हमने यहां पे पाई ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, sin inverse sin π-2 लिख सकते हैं, sin π-θ का मतलब sin थीटा हो गया, यही वाला फंडा लगाया मैंने,
अब देखो पाई माइनस टू क्या बिलोंग करता है यहां पे, चेक कर लेते हैं। पाई माइनस टू होता क्या, पाई तो होता है 3.14, माइनस टू कर देंगे तो 1.14। अब क्या 1.14 इस रेंज में आ रहा है, इसकी पकड़ में, इसके बीचों बीच का वैल्यू है ऐसा, इसके बाहर की चीज है, ये तो इसके अंदर की चीज है। तो जब तक हम इसके अंदर की चीजों की बात करेंगे तब तक ये वैलिड है, यानी कि साइन इनवर्स साइन एक्स, ये पूरा एक्स ही तो है, ये सीधा आएगा पाई माइनस टू। वापिस आ जाओ आप, साइन इनवर्स साइन फाइव निकालने की कोशिश करो, 3.4 आप खुद से निकालो, मैं 5 निकाल के देखता हूं। 5 और पाई, देखो पाई होता है 3.14 है, और तो हम लोग 2 पाई के रेस्पेक्ट में काम कर लेते हैं, क्योंकि पीरियडिक फंक्शन ऐसे ही 2 पाई होता है वो, और 2 पाई के नजदीक है ये 5, इसलिए मुझे लग रहा है साइन 2 पाई प्लस 5 माइनस 2 पाई, क्योंकि यहां प्लस 2 पाई आ गया तो माइनस 2 पाई डालना पड़ेगा, तो इधर आ जाएगा 5, 5 माइनस 2 पाई, 5 माइनस 2 पाई ये हो रहा है माइनस 1.28। तो क्या ये बिलोंग कर रहा है, यस ये इसके रेंज में आ गया। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा साइन इनवर्स, एक चीज बताओ पहले, साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है ना, तो 5 माइनस 2 पाई लिख सकते हैं इसको हम लोग, तो पूरा का पूरा ये साइन इनवर्स साइन, ये 5 माइनस 2 पाई अब इस चीज को फॉलो कर रहा है, तो सीधा मैं लिखूंगा 5 माइनस 2 पाई। ठीक है बच्चों, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना है आप लोगों को, साइन इनवर्स साइन 3 और 4 की वैल्यू आप मुझे निकाल के दिखाओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कितनी वैल्यू आ रही है, ठीक है, तभी मुझे लगेगा आप लोगों ने पढ़ा है और समझा है। इसको नोट डाउन करो बच्चों।